स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश की तरह ही अपठित पद्यांश के प्रश्न भी आपने अपने परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखे होंगे, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपने पद्यांश को पढ़कर उसे समझा है या नहीं समझा है, इस समझ का आकलन करना। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ाना गया हो, यानी कि यह पद्यांश आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता है, बल्कि ये किसी अन्य स्रोत से लिया जाता है जिसे संभवतः आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इसके अंतर्गत अपठित पद्यांश से दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। अपठित पद्यांश को हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम कविता को मनोयोग से पढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। दूसरी बार पद्यांश को पढ़ते हुए अर्थ को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। इसके बाद हम कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिन पंक्तियों में उत्तर मिल जाए उसे रेखांकित कर लेंगे। फिर कविता की पंक्तियों को सरल गद्य की भाषा में लिखकर उत्तर देंगे, यानी कि जब हम कविता की पंक्तियों को देखते हैं तो वहां पर वह थोड़ी काव्यात्मक रूप में लिखी होती है, उसको हमें सरल गद्य की भाषा में लिखना है और उसी से उन्हीं पंक्तियों से हमें अपना उत्तर ढूंढना होता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कविता का एक एक शब्द समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। मुख्य भाव को समझने की कोशिश करें, प्रतीकों को समझें, उत्तर सटीक और स्पष्ट दें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं पद्यांश को तो उसमें कई सारे ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिसका अर्थ हमें तुरंत नहीं मालूम होता है। एक एक शब्द का अर्थ वहां पे हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन मुख्य भाव समझ में आता है। तो हमें कविता के मुख्य भाव को समझने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप उसके शब्दों का अर्थ भी निकल आएगा। अगर अर्थ नहीं भी सही हमें मिल पाता है तो अगर हम भाव समझ लेते हैं तब भी हम उत्तर लिख सकते हैं। हमें प्रतीकों को समझना होगा। कई बार कविताओं में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रतीक के रूप में होते हैं, जैसे अंधकार कहीं पर दुख और नैराश्य का प्रतीक होता है, उजाला कहीं पर सुख समृद्धि या फिर ज्ञान का प्रतीक होता है। तो उन प्रतीकों को जब हम समझते हैं तो हमें उत्तर लिखने में आसानी होती है। और अंतिम है कि उत्तर सटीक और स्पष्ट दें। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय शब्दों की सीमा भी रहती है, अंकों की भी सीमा रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर सटीक और स्पष्ट रूप से देना है। यहाँ पर काव्य की पंक्तियां हैं, उन्हें गद्य के रूप में लेकर फिर हम अपने उत्तर को लिखेंगे। आइए अब प्रश्न पत्र हल करते हैं। यह प्रश्न पत्र है। अब इसमें देखिए इस तरह से एक काव्यांश दिया हुआ है। कहते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। पढ़ लिया। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है कि इसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। हम इनकी भाषा को समझ तो नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियां यानी कि बादल जो है वो क्या करता है, वो एक जगह के संगठित जल को दूसरी जगह बरसाता है। तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को बांटते हैं यानी पढ़ते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी कि एक देश जो है वो दूसरे देश तक अपने संदेश को इस माध्यम से पहुंचाता है। एक देश की संस्कृति जो रची बसी है वो दूसरे देश तक पहुंचती है। एक देश का जो वातावरण है वो दूसरे देश को भी प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। भगवान के डाकिये कौन है, ये आप आसानी से बता सकते हैं कि पक्षी और बादल। भगवान के डाकिये कौन है, पक्षी और बादल। क विकल्प सही है।
एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। हमने अंतिम पंक्ति में पढ़ा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे उसका उत्तर मिल जा रहा है, सुगंध भेजती, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। डाकिया शब्द में किया क्या है? अब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हो सकता है एक या दो प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित हो। अब आपने यदि उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाकिया में डाक में या प्रत्यय लगा हुआ है, तो जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? प्रत्यय, यानी कि ख। अगला देखिए, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? दुल्हन, आनंद, मेहमान या संदेशवाहक? तो हमने देखा कि ये पक्षी और बादल जो है ये दोनों डाकिये हैं, और ये दोनों किससे संबंधित हैं? प्रकृति से संबंधित हैं, यानी कि प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब है रिक्त स्थानों को भरें। अब रिक्त स्थानों को भरने के लिए हमें कविता को ही देखना होगा। भगवान के डाकिये एक देश से दूसरे महादेश जाते हैं, वहां पे क्या था? एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, तो वहां पे हमें ये तीसरे पंक्ति में यह उत्तर मिल गया। इसके बाद है एक देश की धरती डैश को सुगंध भेजती है। कविता में हम देखते हैं एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो यहाँ पे हमें ये अंतिम पंक्ति में उत्तर मिल गया है, इसे हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या बांटते हैं? तो कविता में हमने देखा था कि भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं और उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं, अर्थात पक्षी और बादल, यानी कि जो हमारे हमारी प्रकृति है उसको कोई बांध नहीं सकता है। वह एक जगह का वातावरण दूसरे जगह को प्रभावित करता है, एक जगह की संस्कृति दूसरे जगह को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, इस काव्यांश में कवि क्या कहने का प्रयास किया है? इस पूरे काव्यांश को पढ़ने के बाद और इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद हमारे मन में एक स्पष्ट धारणा बन जाएगी कि इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, वही हमें इस उत्तर में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि इस कविता के जरिए कवि यह कहने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती, वह अपने आसपास की चीजों को प्रभावित करती हुई जाती है, उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, यही कारण है कि एक जगह का वातावरण दूसरे जगह को प्रभावित करता है। अभी हमने जो प्रश्न पत्र देखा उसमें बहुत सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे, लेकिन कुछ ऐसे भी काव्यांश पूछे जाते हैं जिनमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ नहीं रहते हैं, विषयनिष्ठ रहते हैं, तो एक ऐसा भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जीवन दीप जले, जीवन दीप जले, ऐसा सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले। इसी सत्य पर रामचंद्र ने राजपाट सब त्याग दिया, छोड़ अवधि की माया नगरी, कानन को प्रस्थान किया, सुख वैभव को लात मार कर कष्टों का सहवास किया, खटरस व्यंजन त्याग जंगली फल खाए, सर नीर पिया, स्वयं कंटकों को चूमा, औरों के कंटक दूर किए, जन्म सफल है उस मानव का जो परहित ही सदा जिए, त्रिषितों को सुरसरित देने जो हिमगिरी सा चुपचाप गले, जीवन दीप चले। यहाँ पर इतना तक पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया है कम से कम कि इसमें रामचंद्र के बारे में कहा गया है, और ये कहा गया है कि औरों का कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने स्वयं कष्ट सहे और महल के सुख को त्याग कर वो वन की ओर चले। अगला देखते हैं, रसिक शिरोमणि कृष्णचंद्र ने वृंदावन को बिसराया, छोड़ विलखते ग्वाल बाल वह निर्मोही भी कहलाया, किंतु लोक कल्याण मार्ग ही केवल उसने अपनाया, वही गोपियों का नटवर फिर योगी राज कहलाया, गीता की हर पंक्ति पंक्ति में अर्जुन को वे समझाते, अति विस्तृत कर्तव्य मार्ग है हर मानव इस ओर चले, जीवन दीप चले। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में हमने कुछ कम इतना समझ लिया है कि यह कृष्ण के विषय में है, पर यह कहा गया है कि इसी राह पर चलते हुए कृष्ण ने वृंदावन को बिसरा दिया, उन्होंने लोक कल्याण के मार्ग को श्रेष्ठकारी माना और गीता की हर पंक्ति में उन्होंने कर्तव्य करने का ही संदेश दिया है।
अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न क्या पूछे गया है। पहला प्रश्न है, यहाँ रामचंद्र के जीवन के बारे में क्या कहा गया है? दो अंकों का प्रश्न है। उत्तर में हम देखेंगे कि पहले ही पैराग्राफ में जैसे कि हमने देखा था कि रामचंद्र के बारे में बताया गया है, तो हम वहां पर देखते हुए जो काव्य की पंक्तियां हैं उसको हम गद्य में ले आएंगे और फिर हम वहां पे लिख सकते हैं कि यहाँ रामचंद्र के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपना जीवन कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए दूसरों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए न्योछावर कर दिया था। उन्हें जितना महल में रहते हुए कई तरह के भोजन विन्यास उनके लिए होते थे, लेकिन उन्होंने वन जाकर कंदमूल पर अपना जीवन बिताया, सरोवर का पानी पिया। जब रामचंद्र वन गए तो उन्होंने इस वनवास के क्रम में कई लोगों का उद्धार किया, तो इस तरह से दूसरों के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उन्होंने खुद अपने आप पर कष्ट उठाया। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? जैसा कि हमने देखा था कि हमारी कविता के दूसरे पैराग्राफ में ही इसका उत्तर छुपा हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कविता की अंतिम तीन पंक्तियों से कि कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि कर्तव्य मार्ग बहुत विस्तृत है और हर मानव को इस ओर चलना चाहिए, यानी कि उन्होंने कर्तव्य मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन को दीप कहने के पीछे क्या आशय है? हमारा जीवन एक दीप के समान है, यह ऐसा वरदान है जिससे एक ज्योति प्रकाशित होती है और उस प्रकाश से इस संसार भर को प्रकाशित करने की क्षमता हमारे भीतर है, इसीलिए जीवन को दीप कहा गया है। अगला प्रश्न है, कृष्णचंद्र ने वृंदावन को क्यों बिसराया? हम यहाँ देखते हैं कि जब दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो वहीं पर लिखते हैं कि कृष्ण रसिक शिरोमणि कृष्णचंद्र ने वृंदावन को बिसराया। इसी पंक्ति से हमें अपना उत्तर लिखना है कि श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि थे, यानी कि गोपियों के साथ ब्रज में उनकी लीला के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जितने ग्वाल बाल थे वो सब बिलखने लगे थे और कृष्ण को उन्होंने निर्मोही तक कहा था, लेकिन लोक कल्याण के लिए उन्हें इन सब को त्याग कर, इस सारे मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ा और इसीलिए उन्होंने उन्हें बिसरा दिया। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हर मनुष्य को किस ओर चलने की सलाह दी गई है? तो कविता में हम देखते हैं कि अंतिम पंक्तियों में ही ये दिया हुआ है कि अति विस्तृत कर्तव्य मार्ग है, हर मानव उस ओर चले, यानी कि प्रत्येक मानव को कर्तव्य मार्ग पर चलने की सलाह दी गई है। तो इस तरह आपने देखा कि अपठित पद्यांश के प्रश्न भी बहुत कठिन नहीं होते हैं यदि हम उन्हें थोड़ा ध्यान देकर के उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। उम्मीद है आप ऐसे और बहुत सारे प्रैक्टिस कर पाएंगे और इन प्रैक्टिस को करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.econtenthindi.org, वहां पर इसके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आप वहां से और ज्यादा अभ्यास करके अपनी समझ को मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपने ये जान लिया होगा कि अपठित पद्यांश किसे कहते हैं, इसका हल कैसे करें। धन्यवाद।